Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss the Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 2, Licensing of Driver of Motor Vehicles, Lecture Number 4, Rule 12 to 23. Rule Number 12, Consent of Parent or Guardian in the case of application by minor. यदि एप्लीकेंट माइनर है यानी 18 ईयर से कम एज का है तो वो मोटरसाइकिल विदाउट गियर यानी 50 सीसी की मोटरसाइकिल चला सकता है और उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस के फॉर्म पे जब वो अप्लाई करेगा तो उस पे गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। रूल नंबर 30 कहता है कि फॉर्म ऑफ लर्नर लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस के लिए जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं फॉर्म 3 होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए हमको फॉर्म 4 को फिलअप करना पड़ेगा। एंड सेल बी एक्कॉम्पेंड बाय, और उसके अलावा एन इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव द व्हीकल ऑफ द टाइप टू विच द एप्लीकेशन रिलेटेड, यानी जिस तरह के आप ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं यानी कि जैसी गाड़ी आप चलाएंगे वैसा आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। यदि लाइट मोटर व्हीकल चलाएंगे तो लाइट मोटर व्हीकल का, और हैवी मोटर व्हीकल चलाएंगे तो हैवी मोटर व्हीकल का, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। अप्रोप्रिएट फील्ड यानी सेक्शन रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक फी पेड करना पड़ेगा, तो सबको करना पड़ता है। 3 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए फॉर्म 1A पे। ड्राइविंग सर्टिफिकेट यानी स्कूल, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट मिलता है उसको फॉर्म 5 पे इशू हुआ होना आपको मस्ट चाहिए जब आप हैवी के लिए अप्लाई करेंगे तो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, प्रूफ ऑफ एज चाहिए। एन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ड्राइवर, अब ये तो इंडियन नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो गया। अब आपको यदि मान लीजिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म 4A पे इशू होता है। उसके लिए भी अलग और भी कंडीशन है, पहले वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जा सकता है जो कि वैलिड लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो। रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग इसमें भी आपको फी पेड करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए जो कि फॉर्म 1A पे इशू होना चाहिए, वैलिड प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनल यानी इंडियन नेशनल के लिए आपको प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट हो या फिर नेक्स्ट आपको वीज़ा चाहिए जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि उसके लिए आपको वैलिड प्रूफ ऑफ वीज़ा चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है कब, जब आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारे रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तभी आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 15, ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, देखिए सबसे पहले आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं होती है। जब लर्नर लाइसेंस आपको मिल जाता है तब आप उसकी वैलिडिटी 3 महीने से 6 महीने तक होती है और उसके इशू होने के डेट से 13 डेज बाद यानी 1 महीने बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उससे पहले यानी 30 डेज से पहले आप ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है द टेस्ट कमेंसमेंट ड्राइव रिपोर्ट इन द सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 शैल बी कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि ये टेस्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे
हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके लिए भी नेक्स्ट है आपका रूल 15 का थर्ड नंबर, एप्लीकेशन सेटिस्फाई द पर्सन कंडक्टिंग द टेस्ट, यानी जो भी टेस्ट ले रहा है आपको सेटिस्फाई होगा तभी आपको पास करेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपको फेल कर सकता है। नेक्स्ट है एडजस्ट रियर व्यू मिरर, यानी कि ड्राइविंग के जो भी हुनर है वो आपके अंदर आना चाहिए। पहले जो मिरर को कैसे हम एडजस्ट करते हैं ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को हम देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुटेबल प्रिकॉशन बिफोर स्टार्टिंग इंजन, इंजन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या क्या प्रिकॉशन करते हैं, क्या क्या चेकअप करते हैं, उसके बाद इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसको कैसे चलाते हैं, स्ट्रेट वे, स्मूथली, हेड या एंगल के थ्रू चलाते हैं, तो ये ड्राइविंग जो करता है उसको सबको पता है कि गाड़ी कब मोड़नी है, कब स्ट्रेट चलानी है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबानी है, सबको एक ड्राइवर को अच्छे से पता होता है, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। वैसे जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता है, ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग ड्राइविंग करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर आपका 16, फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म क्या होता है, एवरी ड्राइविंग लाइसेंस इशू आर रिन्यू बाई लाइसेंसिंग ऑथोरिटी शैल बी इन फॉर्म 6, यानी रिन्यू साफ साफ लिखा है कि कोई भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यू करती है या लाइसेंस इशू करना हो या रिन्यू करना है वो फॉर्म 6 पे होता है। अगर आपको स्मार्ट कार्ड के रूप में लाइसेंस चाहिए तो आपके आपको फॉर्म 7 फिलअप करना पड़ेगा। ऑन द फॉर्म द डेट ऑफ कमिशनमेंट सब रूल एवरी ड्राइविंग लाइसेंस इशू, यानी कि इसमें भी सब रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म 7 में ही इशू कराना हो या फिर रिन्यू करवा सकते हैं, कब, जब आपका स्मार्ट कार्ड टाइप में होगा तब, और ये सिंपल होगा तो फॉर्म 6 पे इशू होगा या रिन्यू होगा, यदि स्मार्ट कार्ड टाइप में है तो फॉर्म 7 पे इशू होगा या रिन्यू होगा। एवरी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू लाइसेंसिंग ऑथोरिटी शैल बी फॉर्म 6 है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म 6A पे इशू होता है और उसकी टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल एसोसिएशन अथॉरिटी बाई स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरी, यदि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है या अलाउ करवाना है तो आपको ऑटोमोबाइल एसोसिएशन अथॉरिटी के थ्रू जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलता है उससे या यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से ही आपको इशू होगा और किसी वे से नहीं इशू हो सकता है। नेक्स्ट है अगर मान लीजिए ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना, यदि ई कार्ट या ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आ रहे हैं, जैसे कि रिक्शा की जगह पर जो पैडल से चलाए जाते थे वो आ गए हैं बैटरी वाले, उन्हीं को ई रिक्शा जिसमें पैसेंजर कैरी किए जाते हैं और ई कार्ट जिसमें आपको लगेज आपको कैरी किया जाता है उनको ई कार्ट बोला जाता है। कई लोगों को ई कार्ट नहीं पता होगा, ई रिक्शा तो पता होगा लेकिन ई कार्ट नहीं पता होगा, तो वो भी उसके उसको भी चलाने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस इशू किया जाता है और रिन्यू किया जाता है जिसकी पीरियड 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस, एन एप्लीकेशन फॉर एडिशन ऑफ एनोदर क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल टू ड्राइव लाइसेंस शैल बी मेड इन फॉर्म 8 टू बी लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी रिकंपेंस्ड बाय। यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें और भी क्लास की ड्राइविंग यानी और भी क्लास की गाड़ियों को चलाने के लिए उसमें ड्राइविंग लाइसेंस एड करवाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 फिलअप करना पड़ेगा और उसके लिए भी एक पार्टिकुलर प्रक्रिया है, कंडीशन है जो आपको फिलफिल करना पड़ेगा, जैसे लर्नर लाइसेंस, ठीक है, एन इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस हेल्ड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट के पास एक वैसा लर्नर लाइसेंस उसका होना चाहिए। दूसरा है सर्टिफिकेट एडिशन टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि
फॉर्म 5 पे उसको ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं ड्राइविंग ड्राइविंग स्कूल द्वारा जो सर्टिफिकेट फॉर्म 5 पे उसको मिला है वो होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ई कार्ट और ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उसमें ऐड नहीं होगा कोई भी। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फी। सबको पता है रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग आपको फी पेड करना पड़ेगा, चाहे लर्नर लाइसेंस हो, चाहे एड करवाना हो, चाहे हैवी लाइसेंस हो, चाहे परमानेंट हैवी लाइसेंस हो, तो सब कंडीशन में आपको एक पार्टिकुलर फीस निर्धारित है उसको आपको पेड करना ही पड़ेगा। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया ऑफ कंडीशन। यदि मान लीजिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए फॉर्म 6 आपको भरना पड़ेगा, उसके लिए भी कंडीशन है आपको रिन्यू कराने के लिए भी आपको फी पेड करना पड़ेगा रूल 32 के अकॉर्डिंग। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, और फॉर्म 6 पे ड्राइविंग लाइसेंस जाना चाहिए, यानी जो पुराना वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी तो आप रिन्यू करवा रहे हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म 1A पे इशू या होना चाहिए वो करेंटली का होना चाहिए, पहले का नहीं। नेक्स्ट है वेयर द ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी द होल्डर ऑफ सच लाइसेंस ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल व्हीकल एज वेल एज अदर व्हीकल देन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी लाइसेंसिंग यदि आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आपको मेडिकल देना होता है और किसी कंडीशन में नहीं देना होता है। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैवी व्हीकल बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट द केस इन केस अप्लीकेशन इज द इशू ऑफ एन ए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस विच हैज़ बीन लॉस्ट। यदि मान लीजिए आपके पास डुप्लीकेट यदि मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस है और वो आप लॉस्ट कर जा रहे हैं किसी के थ्रू, एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहीं खो जाए, किसी के थ्रू आप लॉस्ट उसको खो दे रहे हैं, होने के बाद तो उसके लिए अथॉरिटी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी यदि आप वो इस बात की जानकारी अथॉरिटी को दे रहे हैं तो विदिन 16 डेज के अंदर वो डुप्लीकेट लाइसेंस आपको इशू कर देगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 19 रिफंड ऑफ फी। वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिजेक्ट एन अप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल आर ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15 इट शैल बी रिफंड हाफ ऑफ द फी। यदि मान लीजिए आपने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए आप रिजेक्ट हो गए या रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया आपका रिजेक्ट हो गया तो रूल सब रूल सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपकी हाफ फी रिटर्न हो जाएगी विद इन 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट रूल है 20 ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द डिफेंस डिपार्टमेंट। अब डिफेंस डिपार्टमेंट की मान लीजिए आपको व्हीकल चलानी है उस कंडीशन में आपको लाइसेंस कौन देगा, ठीक है। तो मान लीजिए यदि आर्मी से बिलोंग करते हैं तो मेजर रैंक के ऊपर का जो भी अधिकारी होगा वो आपको लाइसेंस इशू कर सकता है, ठीक है। यदि आप नेवी में हैं तो एबोव द लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के ऊपर का ही अधिकारी आपको लाइसेंस इशू कर सकता है, और यदि आप एयरफोर्स में हैं तो स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर का ही आपको लाइसेंस इशू कर सकता है, उसके सारे कंडीशन उसके ऊपर के अधिकारी के पास ही होता है। नेक्स्ट है डिसक्वालिफिकेशन। किस किस कंडीशन में आप डिसक्वालिफाई होंगे। पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालिफाई। अब डिसक्वालिफाई करने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है टेस्ट के दौरान, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस के होने के बावजूद भी आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ क्लास एफ ऑफ सब सेक्शन 1 सेक्शन 19 द कमीशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट होल्ड ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस शैल कॉन्स्टिट्यूट नॉनसेंस डेंजर द पब्लिक नेमली थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल। यानी चोरी की गाड़ी यदि आप चला रहे हैं तब आपके उसके पास पावर है कि वो आपके लाइसेंस को क्या कर सकता है डिसक्वालीफाई कर सकता है। एसल्ट कर रहे हैं पैसेंजर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके साथ हरास कर रहे हैं, ठीक है। थेफ्ट ऑफ पर्सन इफेक्ट
पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट गुड प्रोविडेड अंडर एनी लॉ, ड्राइव वाइल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंगेजेस हिमसेल्फ एक्टिविटी विच इज लाइकली, यानी कि आप गाड़ी को ऐसे खड़ा किए हैं या फिर इस कंडीशन में चला रहे हैं कि जो पीछे की ट्रैफिक है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। तो ये पांच छह कंडीशन है जो सबको पता होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इंडोर्समेंट, रूल नंबर 22, इंडोर्समेंट बाय कोर्ट, ए कोर्ट कन्विक्टिंग ए होल्डर ऑफ ए लाइसेंस फॉर एनी वन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हियर अंडर, यानी इसमें दिए गए किसी भी ऑफेंसेस में, यानी किसी भी ऑफेंसेस यानी कि आप एक तरह से क्राइम समझ लीजिए, क्राइम में आप पकड़े जाते हैं तो आपके लाइसेंस कोर्ट द्वारा उस इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोर्ट उसको समर्थन करता है कि आप सजा या फिर पेनाल्टी के हकदार हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ड्राइविंग विथआउट ए लाइसेंस, मान लीजिए कोई गाड़ी आप चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो सबको पता है जेल जाना है, ठीक है। विथआउट लाइसेंस विच इज इफेक्टिव आर विथआउट लाइसेंस अप्लीकेबल टू द व्हीकल ड्राइव, यानी मान लीजिए आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप हैवी चला रहे हैं, तो भी आप कोर्ट के अकॉर्डिंग, आप कोर्ट के खिलाफ यानी रूल रेगुलेशन के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप जुर्म कर रहे हैं, तो आपको सजा होनी चाहिए, पेनल्टी जो भी फाइन। तो ये सारे ड्राइविंग व्हेन डिसक्वालिफाइड, मान लीजिए आप टेस्ट दिए डिसक्वालिफाई हो गए, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पकड़े गए, तो भी आपको सजा। ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल कवर्ड बाई सर्टिफिकेट फिटनेस, यानी जो कि आप गाड़ी चला रहे हैं इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो भी आप जाएंगे। तो गाड़ी के भी कागज दुरुस्त होने चाहिए और आपके भी लाइसेंस क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो आप इन सेक्शन के, इन रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ड्राइविंग कॉन्ट्रावेशन ऑफ रूल 118। तो इस तरह से सारे फेलियर टू कंप्लाई विदाउट प्रोविजन, ये सारे कंडीशन है जिसके जिन जिन कंडीशनों में आप एक तरह से जुर्म कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, या इस इन प्रक्रियाओं, यदि इसमें से कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से जुर्म कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, और उसके लिए आपको पुलिस पकड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस, तो आपको जेल ले जा सकती है, आपको फाइन मार सकती है। इधर और भी है ड्राइविंग डेंजरस, सबको पता है डेंजरसली आप ड्राइविंग करेंगे, जैसे स्पीड से चला रहे हैं या फिर तिरछे आड़े जैसे चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग आप एक तरह से हरास कर रहे हैं पीछे की ट्रैफिक को या पीछे की पब्लिक के आगे पब्लिक को, किसी को भी जान का खतरा हो सकता है, तो इस तरह से आप पेनाल्टी और ऑफेंसेस के कंडीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेट रजिस्टर। अब देखिए जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, उसके पास एक रजिस्टर्ड, एक तरह समझ लीजिए, यानी कि जो भी लोग अप्लाई किए हैं लाइसेंस के, उनका सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि फॉर्म नंबर 10 पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस रिकॉर्ड को कवर करके रखती है। और इस स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ सेंड टू डायरेक्टर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक मुहैया कराती है। मान लीजिए यदि आप किसी बड़े केस में फंस गए, तो आपका रिकॉर्ड जब मांगा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मांगेगी, सेंट्रल स्टेट के पास जाएगी, स्टेट जाएगा वहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका लाइसेंस इशू हुआ है या फिर गाड़ी इशू हुआ है, तो इस तरह से दिल्ली तक आपका, इस तरह से देश को आपके बारे में पूरी जानकारी मुहैया हो सकती है, यदि आप किसी केस में फंसते हैं या फिर किसी भी कंडीशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।